हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। तो देखिए, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कबर्ड के पीछे बाथरूम किस तरह से आप ले सकते हैं, वो आज आपको बताना चाहता हूँ। यही सेम यहाँ पीछे बाथरूम है और इसको कवर कर दें, अगर आपको दिखेगा कबर्ड। तो आज का टॉपिक था कबर्ड के पीछे बाथरूम। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आपको कहीं पर भी बाथरूम नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी एक मन में सवाल रहता है कि मास्टर बेडरूम में बाथरूम चाहिए। उन जैसे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है यहाँ एक वीडियो। जैसा यहाँ पे बेडरूम है, सो बेडरूम में ज़्यादातर लोग ऐसा थोड़ा सा प्राइवेसी तो चाहिए, एक अटैच बाथरूम रहना चाहिए। बट और एक प्रॉब्लम होता है, तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी एक प्रॉब्लम है। अगर नहीं रहा तो अरे यार बाथरूम रहना था, अगर रहा तो स्मेल आता, वो ये थोड़ा स्मेल आने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, ऐसा एक बोलते हैं लोग। बट उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला गया है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं, पूरा एक कबर्ड है, या कबर्ड के पीछे बाथरूम, यानी कि अब हम एंटर हो गए। अंदर एंटर होते हैं आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे टॉयलेट रूम है बिल्कुल भी नहीं दिखता है। एंड वेंटिलेशन तो बहुत ही बढ़िया है इस प्लेस में, और टॉयलेट रूम भी इस तरह से बनाया गया तो किसी को भी ऐसा डिस्टर्बेंस होने का चांसेस ही नहीं है। यहाँ पे एक टॉयलेट रूम है बिल्कुल भी आपको महसूस भी नहीं होता, इट्स लाइक अ छुपा रूपसम उस तरह का है। एंड जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, इसका कुछ क्या है पैटर्न, कैसा आप भी बना सकते हैं आप अपने घर में भी, वो मैं बता दूँगा। फर्स्ट क्या है, सर कबर्ड के लेवल पे, वार्डरोब के लेवल पे बनाए गए। यहाँ पे पूरा खोल के दिखा दूँगा अभी मैं आपको। तो अभी आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे कबर्ड है, ओके, यहाँ पे कबर्ड और उधर भी कबर्ड है, वहाँ पे मेकअप बॉक्स। बट यहाँ पे देखिए तो कबर्ड नहीं है, टॉयलेट रूम है, ओके। तो किस तरह से आप भी बना सकते हैं मैं बता दूँगा अभी आपको। लेट्स सी, फर्स्ट हम इसे क्लोज़ करते हैं, बिकॉज़ कभी भी जब आप ओपन करते हैं ना दरवाज़े एक साथ ओपन ना करें, टूटने का मैक्सिमम चांसेस रहता अगर ठीक से नहीं बनाए। ठीक से बनाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये हैंडल्स ओपन कर दिए, एक इसका ध्यान रखना पड़ता है कि वाटरप्रूफ वाला प्लाईवुड यूज़ करना चाहिए उसके वजह से। तो देखिए दोस्तों, सेम यहाँ तक, और इसमें भी फिर एक अलग तरीका टॉयलेट रूम पर्पस से। अगर आप ये डोर बंद करें, ये डोर यहाँ पे बंद हो गया, ओके, एंड ये वाला डोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एक साथ दोनों ओपन करें तो प्रॉब्लम होता है ना, उसकी वजह से क्या करें, इसमें बीच में इतना गैप दिया गया, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको सपोर्ट भी मिलेगा और बीच में गैप भी, इसको सपोर्ट चाहिए ना, ये इस डोर को बैठने के लिए सपोर्ट चाहिए, उसके सपोर्ट भी दिया गया। एंड और एक चीज़, ऐसा कपड़ा चाहिए तो सीधा बेडरूम के अंदर, एकदम टोटली प्राइवेसी। अगर हस्बैंड वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, वाइफ को अपना फुल पर्सनली चाहिए, तो यहाँ का यहाँ कपड़ा रख के उन्हें यूज़ कर सकते, इस्तेमाल कर सकते, ये डोर बंद करके ये डोर से उन्हें जा सकते हैं। ऐसा कितना मस्त आइडिया है ना, इस सब बेहतरीन यह है। तो ये कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था कबर्ड के पीछे बाथरूम, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना। एंड ये पीछे क्यों लिया गया मैं बताता हूँ, इसके पीछे क्या है, वायर के लिए भी जगह चाहिए ना। जब इसके पीछे एंट्रेंस है, एंट्रेंस से पहले बटन चाहिए, इसके पीछे क्या है, वायर आ रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा रखा गया। मैं आपको बता दूंगा उसके पीछे क्यों, वो कौन के जैसा क्यों लिया गया। लेट्स सी, जैसा ये वाला है वायर्स है, उसकी वजह से कौन लिया गया। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।